आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। भाग्य या फिर विधाता का अभिशाप। चार चार पुत्रों का पिता आज अपनी ही किस्मत पर बिलक बिलक कर रो रहा है, क्योंकि तीन पुत्रों की जिंदगी विधाता ने छीन ली और एक पुत्र जीविका चलाने के लिए खाड़ी देशों की गुलामी कर रहा है। बात कर रहे हैं एक ऐसे बुजुर्ग बाप की कहानी जो कहेगा अपनी ही जुबानी। एक बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे की हत्या का प्रमुख साजिशकर्ता अपनी बहू को ही मान लिया। बुजुर्ग बाप ने यह भी आरोप लगाया है कि जब मेरे बेटे की चिता जल रही थी तो बहू ने अपने भाई के साथ आकर घर में जमकर तांडव किया और तोड़फोड़ की, घर से कीमती सामान तक उठा ले गई। जाते जाते परिजनों को परिणाम भुगतने की चेतावनी देकर चली गई। बड़ी बहू के अनुसार जिस तरह उसने अपने आदमी को मारा है, उसी तरह यहाँ परिवार के बाकी लोगों की भी समाधि बनाकर ही दम लेगी। ग्रामीणों की अगर माने तो इस कृत्य में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। बुजुर्ग बाप पथराई आंखों से न्याय की आस लगाए किसी भी समय इस लोक से विदा हो सकता है। यही इस घटना से सारे गांव में गमों की बदली छाई हुई है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव जनपद के पूर्वा विधानसभा अंतर्गत एक ऐसा गाँव है हिम्मतपुर, जहाँ का रहने वाला भीम शंकर अपनी ससुराल गया था, जहाँ पर षड्यंत्र के तहत उसको पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद उसको छत से फेंक दिया गया। उसकी दर्दनाक मौत होने के बाद उसकी लाश को उसके घर पहुंचा दिया गया। अगर समय रहते पीड़िता को न्याय ना मिला तो सारे गांव में आक्रोशित की ज्वाला भड़क उठेगी। फिलहाल पूरे प्रकरण से जब मोराबा थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संज्ञान में है मामला, पुलिस की विवेचना चल रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। समाचार ए टू जेड के लिए सर यहाँ काम कर रहे हैं कि यहाँ का काज अरे ना नहीं तो उनके यहाँ काम करता है, काम करते 5 बजे गवाह यहाँ कौन भीम। अच्छा, भीम गया यहाँ तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया हुआ, उसके बाद उनका मार डाली। कौन कौन था मारने में? मारने में था के तत्ती रही, राम स्वरूप रहे और राम फिर। शिकायत कहीं किया इस बात को लेके? शिकायत थाने में किया कि नहीं? हाँ, थाने में की तो शिकायत। थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वाले कुछ नहीं, कुछ मिल भी नहीं। आई मेहरिया मेहरिया सब तोड़ा लगी, ताला जब तोड़ा लगी तो सब मेहरिया इनका कहने लगी, इनका भौजाई कहने लगी अब ताला न तोड़ो, अब वही की बात हमारा भाई बाप आज सब तोड़े ताला, तो कहने लगी कि हम तोड़े ना ऐसे ऐसे करे लगी, जैसा मन मार तो डाला, जैसा जमन हो तो करो जाए, बस यही लड़ाई रही सर। तब फिर जब यहाँ सबका मारे लगे तो हमारे फोन की तो हमारे मिट्टी पड़ते मनाई है, तो मनाई नहीं आई मेहरिया फिर फटे जो खूब कस कर, जब मनने पर पुलिस वाला हाबा कर लगे तो मनाई भाई मनाई हुआ, फिर मारने में हेरिए अधिकतर। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीकांत। अच्छा श्रीकांत, क्या मामला है, क्या पूरी बात बता सकती हो? सर जब पहले सर उनको मरवा डाला गया यहाँ से, वो यहाँ मतलब थे नहीं, लेकिन यहाँ पहले उन दोनों ने झगड़ा किया और उसके बाद वो बुला गई कि आइए मेरे घर तुम्हारी समाधि बनवाएंगे हम। किसने कहा? सर केकती ने। किसको समाधि बनवाने के लिए कहा? अपने आदमी को भी। ठीक, फिर इसके बाद वो काम पर गए मोरावा, वहाँ 5 बजे तक काम किया उन्होंने, काम करने के बाद उनके घर गए, वहाँ पर उन्होंने पिया खवा कर उनको तीन लोगों ने लाकर मार दिया। तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी हुई? सर वहाँ यहाँ पर तो उनकी अंतिम संस्कार हो रहा था और हम लोग यहाँ रो पीट रहे थे, बैठे थे और आई आते जाते हमें मारने लगी, कहने लगी मेरा हिस्सा भी है इसमें, तो हिस्से के मामले में मैं क्या कर सकती, हमको मारने लगी और सब लोगों ने जब बचाया मैं तो बेहोश हो गई थी। आपके आदमी कहाँ? सऊदी। मैं सूरी। तुम कौन है मृतक की? बहन है मेरा भाई। अच्छा, क्या है पूरा मामला बताओ। पूरा मामला यहाँ सुबह पहले लड़ाई दोनों झगड़ा किया, फिर उसने कहा था कि मेरे हमारे गांव चलिए, वो कह रहा था हम नहीं जाएंगे, उस दोपहर में 1 बजे यहाँ से निकल गई और उसको वहाँ फोन किया फिर मोरावा से अपने गांव से कि मेरे यहाँ गांव में आओ, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। जब यहाँ से वहाँ गांव गया तो वहाँ पूरे मतलब मैटर किया कि इसको रात में खवा पिया करके मारा जाए, तो चारों लोग ने मारा। कौन कौन लोग थे?
राम फेर रघुराई राम स्वरूप। पुलिस में नहीं शिकायत किया? पुलिस में रात में जब 1 बजे यहाँ सूचना दी हमको, सुबह 8 बजे पुलिस की सूचना की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर पुलिस वालों का क्या कहना है, इस मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने क्या कह रहे, वहाँ जांच वांच कह रहे थे, जो हम ऑर्डर में निकलेगा वही फिर रिपोर्ट में जो आएगा मतलब निकल के वही बयान होंगे। आप देख रहे हैं समाचार।